बार बार शिकायत करने के बावजूद भी गड़बड़ झाला करने वाले पौड़ा कोठी पंचायत के प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के कारण पंचायत वासियों में भारी रोष पनप रहा है। इसी कड़ी में पौड़ा कोठी पंचायत के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय पंचायत के प्रधान व सचिव के दोषी पाए जाने के बावजूद विभाग की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर रोष प्रकट किया। साथ ही उपायुक्त मंडी से पंचायत में हुए घोटाले के दोषी स्थानीय पंचायत के प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। ग्रामवासी हरि सिंह, जगदीश कुमार, सीताराम, इंद्रदेव, नीलम कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत पौड़ी कोठा के प्रधान व सचिव ने 14वें वित्त आयोग तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायतों में हुए कार्यों में 12 लाख से अधिक का गमन किया है, जिसकी जांच प्रक्रिया में पुष्टि हुई है। बावजूद इसके विभाग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप में सम्मिलित पंचायत प्रधान और सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं ग्राम पंचायत पौड़ा कोठी का स्थायी निवासी हूँ और मेरे साथ जो है पूर्व प्रधान 15 साल रहे प्रधान सीताराम जी और उप प्रधान रहे हरि सिंह जी और बाकी जो जनता है यहाँ जिला महोदय के पास अपनी शिकायत को लेकर आए थे। इसमें हमारे 14वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घोटाला हुआ है, जिसमें ब्लॉक ने साफ कर दिया है 14/12/2018 में कि जो है 12.5 लाख का इन्होंने गमन किया है सेक्रेटरी और प्रधान ने। ये ज्ञापन हमने आज जो है जिला मोदी जी को दिया और इन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम जो इसकी कार्रवाई करेंगे और जो इन्होंने जो धनराशि जो है इन्होंने लूटी है, हमारी ये मांग है कि इस धनराशि को तुरंत वापस किया जाए और विकास कार्य में खर्च किया जाए। मोदी ने हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में हम इसको करेंगे और ये प्रोसेस में है और जैसे ही हम 1-2 दिन में इसको करते हैं तो उसके बाद बता दिया जाएगा आपको।